जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी यही किया। अपने नोट्स को मैंने, अपने सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में हम डिवाइड जैसे कर लेते हैं वैसे डिवाइड किया, और हर टॉपिक को मैंने एक अलग फोल्डर बनाया। तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे एडिटोरियल कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो वो सारा मटेरियल मैंने उस एक फोल्डर में डाल दिया। तो एक ये चीज़ है कि अपने नोट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। मैंने कोशिश की कि मैं खुद अपने नोट्स रेफरेंस बुक से बनाऊं, क्योंकि जब मैं खुद उसको लिख लेती थी तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी बेटर हो जाती थी। तो खुद के नोट्स पे मैंने खुद नोट्स बनाने की ज़्यादा कोशिश की। इसके अलावा करंट अफेयर्स बेस्ड स्टडी, इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी आपसे। मैंने ये किया कि क्योंकि ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, तो जो भी करंट अफेयर्स पे मैं पढ़ती थी, जैसे कई बार कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है, जैसे इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, तो उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में आते हैं, वहीं से मैंने एडिटोरियल्स के नोट्स बनाए, उनको इकट्ठा किया, और करंट अफेयर्स से ही मैंने कोशिश की कि पेपर टू यानी GS 2 और GS 3 की मैक्सिमम प्रेपरेशन मैं कहूँगी कि मैंने न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स ऑनलाइन जो आपको मिल जाएंगे, अच्छे आर्टिकल्स अच्छी वेबसाइट्स के, न्यूज़पेपर्स के, वहाँ से मैंने कोशिश की कि GS 2 और GS 3 के आंसर्स मैं वहाँ से कवर कर सकूँ। बाकी GS 1 में तो काफ़ी पार्ट जो है स्टैटिक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स ही मैंने रेफर की थी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है UPSC के लिए, वो है आंसर राइटिंग। जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के जो टोटल हमारे रिटन के मार्क्स हैं, वही मार्क्स हैं जो हमें कहते हैं ना आखिर आपको रैंक अच्छी दिलाएंगे। तो आप जैसे मैंने ये किया कि आंसर राइटिंग पे शुरू में बहुत डर लगता था कि आंसर अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, और क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो बस पॉइंट्स में छोटा छोटा लिखने की आदत है। लेकिन जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आपको डिटेल में सब बताना पड़ता है, और जनरल स्टडीज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, तो मुझे भी शुरू में काफ़ी डर लगता था आंसर्स लिखने से। लेकिन इस डर पे थोड़ा सा मैंने काबू करने की कोशिश की, और हर रोज़ एटलीस्ट 1 से 2 आंसर मैंने रोज़ लिखने की कोशिश की। तो ये चीज़ मैंने की, 1-2 आंसर 1-2 मैं रोज़ लिखती थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, जिसमें मैं हर संडे को कोई एक टॉपिक रहता था जिसको मैं पूरे वीक में पढ़ती थी, और वही टॉपिक्स के मैं आंसर्स लिखती थी। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको 1 या 0.5 मार्क एक्स्ट्रा स्टील करना है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी रीडिंग वाइड रखें और आंसर राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग की अगर बात कर रही हूँ तो ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे सॉल्ट जैसा अपने आंसर में ऐसा स्प्रिंकल करूँ कि आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाए और एग्जामिनर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तो इसके लिए मैंने कोशिश की, जैसे फैक्ट्स कहीं से अपन जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसको मैंने पहले एक बुक में अलग से नोट कर लिया था, वो फैक्ट्स फिर मैंने एग्ज़ाम के बहुत जल्दी पहले ही एग्ज़ाम के जस्ट पास में ही मैंने वो लर्न कर लिए वो फैक्ट्स। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस लिख सकते हैं, तो जब आप आंसर को शुरू करते हैं तो आप उस डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे ARC रिपोर्ट्स होती हैं, या फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, वो है नीति आयोग का 3-year एक्शन एजेंडा। ये जो एक डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स एक जगह पर मिल जाएंगी, सो यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। और वो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें काफ़ी टाइम लगा पढ़ने को, बट जब मैंने एक बार पढ़ लिया था तो काफ़ी कुछ मैं उसका अपने आंसर्स भी कोट कर पाई। तो जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हों, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। मैंने भी पढ़ा और इसको फिर मैंने कोशिश की कि आंसर में लिखूँ। और एक और लास्ट चीज़ आंसर्स में, आप थोड़ा सा कहीं फ्लो चार्ट या कहीं इंडिया का मैप, ऐसे भी आप घर से प्रैक्टिस, पहले से जब आप आंसर राइटिंग करते हो आप उसमें प्रैक्टिस करो। मैंने एक शीट में जो भी मेरे से लगा कि ये यूज़ हो पाएगा, मैंने एक जगह पे सारी ड्राइंग्स ऐसे फ्लो चार्ट इकट्ठा कर लिए थे, और वही फिर मैं रिवाइज करके आंसर हॉल में, जो भी राइटिंग हॉल था वहाँ गई। तो उससे मुझे लगता है कि आंसर्स मैं अच्छे लिख पाई, और
तय वक्त में, यानी जो हमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है उसमें मैंने कोशिश की कि मैं सारे आंसर्स जो है वो कंप्लीट करके आऊँ। मैं थोड़ा सा आपको एक और लास्ट चीज़ बताना चाहूँगी टेस्ट के बारे में। कई बार हम सोचते हैं कि टेस्ट हमें बहुत सारे देने हैं, एंड मैंने भी पहले ये स्ट्रेस किया है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत